हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। देखो भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर क्षत्रियों का वध करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब कभी भी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो उनको नमस्कार करें, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चल। मैं उग्रसेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। मैं राजा बुद्धसेन आपको प्रणाम करता हूं। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं हर्ष्वलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। यह है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे, तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए।
जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहां एकत्रित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिव द्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। डिठाई की भी हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है, इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघारने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बंद हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया,
आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। धनुष है, यह धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं
उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। परंतु आप इस अमोद बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो।